हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लास। आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। डू यू नो इंटीजर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टू अदर चैप्टर्स। यू विल बी स्टडिंग विल बी बेस्ड ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ में ज़रूरी टॉपिक भी है। और जो बाकी के चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो इंटीजर्स पे बेस्ड होंगे। सो वॉट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स, जीरो, नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर एटसेट्रा। इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो को छोड़ के वन से लेकर जितने भी काउंटिंग है वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो हम काउंटिंग नंबर्स में ऐड नहीं करते। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स मतलब हमें काउंटिंग नंबर्स पता चल गया यही तो सारे काउंटिंग नंबर्स है, नॉट इंक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं होता। वन, टू, थ्री, फोर तो सारे काउंट हमें मिल गए काउंटिंग नंबर से। नेगेटिव्स का मतलब क्या होता है? आपने नेगेटिव ब्लड तो देखा हो, जैसे किसी का नेगेटिव ए ग्रुप है तो उसके जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं माइनस ए, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव ए ब्लड ग्रुप। तो ये माइनस का साइन साइन जो होता है वो नेगेटिव को शो करने के लिए होता है ब्लड ग्रुप में। सेम एज इन इंटीजर्स, तो अगर आप इन काउंटिंग नंबर्स के सामने ये माइनस का साइन लगा दोगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। ओके, अगर आप जैसे और अगर आपके पास आपका बी पॉजिटिव है तो आप ऐसे लिखते हो प्लस बी या फिर बी प्लस, राइट? ऐसे लिखते हैं ना ब्लड ग्रुप को। तो जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाना होता है उधर प्लस का साइन ऐड कर दो तो ये पॉजिटिव वाले बन गए। दिस इज दिस आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये रहे पॉजिटिव इंटीजर्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एटसेट्रा। नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एटसेट्रा, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में चाहे आप प्लस ऐड करो या ना करो, वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आप नॉर्मली वन लिखोगे चाहे प्लस वन लिखो, वन वो वन ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और माइनस में तो ये ज़रूरी है ही, माइनस माइनस का साइन है तो नेगेटिव ही होगा। और जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। जीरो एक तरह से अपना ही रमलिक, जीरो एक तरह से राजा है, क्योंकि ना आप उसके सामने प्लस का साइन लगा सकते हो ना माइनस का साइन लगा सकते हो। जीरो जीरो ही होता है, जीरो के साथ कुछ भी नहीं लगा सकते। जीरो आप कुछ नहीं लगा देगा अपने साथ, क्योंकि जीरो एक राजा है। लगा दिया तो वैल्यू नहीं होगी, आपका आंसर गलत होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, आपने कभी होल नंबर से किसी भी नंबर सिस्टम चैप्टर में आपने ऐसे कोई नंबर लाइन बनाई होगी जिसमें वन से शुरू करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर ऐसे ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं। और इसमें एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी। जैसे टू प्लस फोर, अगर हमें नंबर लाइन पे टू और फोर को ऐड करना होता है, टू प्लस फोर, तो हम टू से टू टाइम्स से ऐड करते हैं तो हमें सॉरी टू से हम फोर टाइम्स लेके जाते हैं और हम सिक्स पे रखते हैं तो हमें सिक्स आंसर मिल जाता है। तो ऐसे ही नंबर लाइन पे इंटीजर्स का भी एडिशन करते हैं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इन नंबर लाइन बना ली हमने, बस में ना हम जीरो तो लिखना ही है, जीरो होना चाहिए। जीरो या तो इस प्लेस पे होगा, स्पेस पे, स्पेस पे किसी भी प्लेस पे हो सकता है, बट कभी लास्ट प्लेस पे नहीं होगा। जीरो एक इंटर इंटीजर्स की नंबर लाइन में, इन दोनों प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो या तो बीच में होगा या कहीं भी होगा, जीरो कहीं भी हो सकता है जीरो, ठीक है, लेकिन कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता है।
ठीक है, इधर आ सकता है लेकिन इधर नहीं आ सकता। और अब जो ईसाई है ना जीरो के आगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी प्लस वाले इंटीजर्स है, और जो जीरो के साइड है वो है नेगेटिव इंटीजर्स माइनस साइन वाले इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट में कह सकते हो, लेफ्ट या फिर पीछे कह सकते हो, लेफ्ट या बैकवर्ड और बिफोर कह सकते हो। ओके, और इस साइड आप राइट कह सकते हो, राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो जीरो के आगे या फिर जीरो के आफ्टर या फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है दिस एरो इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड दिस एरो इक्वल्स टू नेगेटिव, चाहे आप इसको बैकवर्ड से याद रखो या आप राइट लेफ्ट से याद रखो, चाहे कुछ भी याद रखो, बस इतना याद रहना चाहिए कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तभी आप कोई एडिशन सबट्रैक्शन कर सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। अब ये याद रखना, और साथ ही साथ जीरो है ना, जीरो के साथ में जब जीरो के इस साइड है ना, आप हमेशा इस साइड से शुरू करते हो, तब आपको जीरो के साथ में जो होता है ना पॉजिटिव वाले सेक्शन में, आप इनको दो सेक्शन में डिवाइड कर दो। ये क्या है, ये प्लस सेक्शन है और ये माइनस सेक्शन है दूसरे वाला, ठीक है, और ये वाला जो जीरो के इस साइड है जीरो के पीछे वो है माइनस सेक्शन, ठीक है। अब जीरो को आप बीच में रख लो, जीरो एक हेड है, जीरो समझ लो एक लीडर है, ठीक है। अब जो माइनस सेक्शन है ना और प्लस सेक्शन, तो प्लस सेक्शन पे आ जाओ, जीरो के जो सबसे पास में होता है ना प्लस सेक्शन में वो सबसे छोटा होता है, जीरो को जो सबसे पास होता है, जैसे जीरो के सबसे पास वन है, तो जीरो वन स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर होता है, और इधर वन जो है वो सबसे बड़ा काउंटिंग मतलब सबसे बड़ा इंटीजर वन ही होता है, और या तो हाँ जीरो तो वैसे जीरो, लेकिन जब आप नेगेटिव सेक्शन में हो ना आपको बताना है कि माइनस वन बड़ा है या माइनस टू बड़ा है, तो माइनस वन बड़ा है क्योंकि नेगेटिव वाले सेक्शन में ना इस चीज़ का उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में अगर इस सेक्शन में जीरो के पास वाला छोटा है तो इसमें जो जीरो के पास होंगे ना नेगेटिव वाले में तो उल्टा हो जाएगा यानी वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अब जो जीरो के सबसे दूर कौन सा, इधर माइनस एट है, सबसे पास कौन सा माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस एट से बड़ा है, माइनस एट छोटा है माइनस वन से, और इस साइड जहाँ तक देखे सबसे दूर कौन सा है, नाइन है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन में जीरो के सबसे पास वाला छोटा होता है और जीरो के सबसे दूर वाला बड़ा होता है, पॉजिटिव सेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट होता है, इधर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ठीक है, इधर तो इधर नाइन वन जो है छोटा है नाइन से, ठीक है। और अब आपको मुझे एडिटिव इनवर्स के बारे में बताना है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, वेट अ मिनट, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपके पास माइनस फाइव है, मान लो माइनस फाइव, आपको इसका एडिटिव इनवर्स करना है, तो आप इसको अपोजिट कर दोगे, आप इसको पॉजिटिव बना दोगे अगर ये नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव किया है तो नेगेटिव का चेंज कर दो कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव दे रखा है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर दो, जीरो दे रखा है तो जीरो को जीरो ही लिखोगे, जीरो का मैंने साथ बताया था ना माइनस ना प्लस वो गलत होता है, सिर्फ जीरो जीरो होता है, जीरो राज्य है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, मैंने आपको ग्रेट स्मॉल का भी बता दिया, एडिटिव इनवर्स भी बता दिया, अब आगे चलते हैं। अब आगे सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का, दैट इज क्विज टाइम। तो अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमने देखा था कि हाँ ये एक नंबर लाइन है, जो तरी बने हुए हैं ना ये नंबर लाइन है, आप बताओ कि ये जो है इसमें किस में सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट होगा, हम जो यहाँ पे ना एक तरीके से इधर रिप्रेजेंट हुआ है एक तरीके से इधर, आपको बताना है कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है, इनमें से एक सही है और एक गलत है, आपके पास दो ऑप्शन है ए एंड बी, आपको सिलेक्ट करना है सही आंसर, और कमेंट में
मतलब वेट करना, अपने आप माइंड में रख लो सेट करके, ठीक है? 5 सेकेंड्स मिलेंगे आंसर करने के लिए, जस्ट सोच लो ढंग से, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, हम देखेंगे आंसर, और फिर उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया और क्या आपका गलत आया या सही आया, ठीक है? क्योंकि इसी से हमें पता चला कि हमारी एक्सप्लेनेशन हेल्प करी या नहीं, और गलत आया तो हम उसको हेल्प करेंगे कि आप उसको बार बार गलत, अगली बार गलत ना करो, उसको हमेशा सही करो। ओके, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, यू हैव 5 सेकेंड्स नाउ, जल्दी से सोच लो, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, आई होप यू हैव सिलेक्टेड योर ऑप्शन। अब चलो, ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ, हमने क्या, अब जल्दी से पहले कमेंट में ये बता दो कि आपको सही आया या गलत आया, ठीक है? और फिर ये भी बताना कि समझ आया जब मैंने सही, अगर गलत आया तो बताना कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब समझ आया या नहीं आया, ठीक है? अब क्या है यहाँ पे ना, ये तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, राइट एरो, आई मीन राइट एरो में क्या होता है, राइट एरो या राइट ऑप्शन या लेफ्ट में भी आपका चूज होगा, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग दिखता है ना, तो ये समझ लो बस एक नंबर लाइन है, 0 आपको दे रखा है बीच में, 0 के आगे क्या होता है, 0 के आगे होता है प्लस, 0 के पीछे क्या होता है, 0 के पीछे होता है माइनस, सेम है 0 इधर तो सही है, देखिए सही है कि इधर प्लस ही है ना, 0 के साइड प्लस वाले इंटीजर्स है, या फिर जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो भी पॉजिटिव है, और 0 के साइड नेगेटिव होते हैं जो कि माइनस साइन वाले इंटीजर्स तो है, तो सही है। अब इधर 0 बीच में, ठीक है, 0 के इस साइड हमने क्या देखा था कि प्लस होना चाहिए, इधर तो माइनस है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स आ गए पॉजिटिव की जगह, और इधर इस साइड पॉजिटिव आ गए नेगेटिव की जगह, जबकि इधर माइनस होना चाहिए, तो बी आंसर गलत है। ओके, तो सावर सर, जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया, बिकॉज अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सही आंसर देना तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, एटलीस्ट आपने ट्राई करा। ओके, एडिंग इंटीजर्स और नंबर एड, ठीक है? हमने तो क्या देखा, हमने अब देख लिया इंटीजर्स को कैसे हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे, अब ये देखते हैं इसको ऐड कैसे करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आई होप अभी पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, जैसे हमने, मैंने आपको जैसे आप होल नंबर से किसी भी जैसे नंबर लाइन बनाते हैं काउंटिंग नंबर्स की, तो उसमें हम 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखते हैं, और उधर ऐड कैसे करते हैं, जैसे आपको 2 और 3 आपको ऐड करना हो तो आप 2 से स्टार्ट करोगे और 3 टाइम्स इसको बाउंस करोगे, ठीक है? 5 आंसर, ठीक है? ये कितने बाउंस होगा, 1 2 3। ओके, सो 5 आपका आंसर मिल गया, सो सेम एज एन इंटीजर्स। इधर जैसे आपको दे रखा है एड -5 या 3 है +3। ओके, सो -5 से स्टार्ट कर लो, चल मैं तो कहती हूँ कि एक स्टेप अपने दिमाग में रखो, या तो सेकंड नंबर से स्टार्ट करो या तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, ना या तो कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, आपको थोड़ा ज्यादा होगा हेल्पफुल, ठीक है? सो -5 3 टाइम्स बाउंस करो, आंसर क्या मिला, ठीक है? आप नेगेटिव से स्टार्ट करें, आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, ऐड करने के लिए जब भी आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हो, तब आप इस साइड जाते हो ऐड करने के लिए, ठीक है? ऐड करने के लिए पॉजिटिव साइड में जाओगे, और अगर आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपको माइनस करना है, तो आप नेगेटिव नहीं जाओगे, ठीक है? बट ये हर जगह नहीं होता, क्योंकि हमने हमारे हमें पता है कि 2 सेक्शन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, यही रूल मतलब दोनों में काम नहीं आता, तो एक बार समझ लो और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है? अब जैसे हम देखते हैं कि चलो सबट्रैक्ट करते हैं -2 और -2 और 6 को ऐड करते हैं, सॉरी सबट्रैक्ट करते हैं, 6 में से -2 को ऐड माइनस कर दो, ठीक है? 6 में से तो ऑफ कोर्स 4 आ जाएगा,
लेकिन अगर आप माइनस टू से सिक्स को कर दो क्या करेंगे, नहीं माइनस करना है, फर्स्ट नंबर पे आते टू पीछे बाउंस बाउंस करेंगे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव सेक्शन की तरफ जाएंगे, सिक्स टाइम बाउंस करेंगे। तो हमारे क्या आंसर मिल गया, माइनस एट आंसर मिल गया। इसको हम लॉन्ग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स करने हैं, जैसे माइनस फाइव और माइनस टू को ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, टू टाइम्स या पीछे की तरफ बाउंस करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है, माइनस सेवन आंसर मिलेगा। ऐड करना था ना, तो ऐड करने के लिए जब आप इन केस व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर बट आपको पास दोनों ही नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, तो आपको इसको माइनस साइन की तरफ लेके जाना, तो क्योंकि आपके पास दोनों नेगेटिव है। हो रहे हो ना कंफ्यूज, मेरे को पता है कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता है, इसलिए बहुत ही कम मेथड यूज होता है, ये मेथड बिल्कुल कम यूज होता है। हम शॉर्ट मेथड यूज करते हैं और शॉर्ट मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, नॉर्मल तो आपको पता है, नॉर्मली सबको होता है, ठीक है। अब इसे माइनस टू, अच्छा टू और माइनस एट को माइनस एट से टू को सब्ट्रैक्ट कर, माइनस वन प्लस जीरो, सॉरी माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू करना है, ऐड करना है इनको, ठीक है। इधर से स्टार्ट करो, जस्ट अ मिनट, तो ऐड करने के लिए हम इस साइड जाते हैं, वन आंसर मिल गया, ओके। बट आई एम स्टिल कंफ्यूज, गेटिंग कंफ्यूज इन दिस एग्जांपल, बट लेट्स सी रूल्स, वेट, क्योंकि जब शॉर्ट मेथड है ना तो उसमें आपको एक रूल फॉलो करना है, तो बस एक छोटा सा रूल फॉलो करना होता है, उससे कैलकुलेशंस करते हैं। सो मैं तो आपको जितना समझ आया उतना तो एटलीस्ट करना, और भी वीडियोज है ऐसे रिलेटेड यूट्यूब पे, और काफ़ी सारी चीज मतलब बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएगा, तो और बेटर समझने के लिए और वीडियोज देखो, और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तब शॉर्ट मेथड पे आ सकते हैं, यही जो है यही मेथड यूज होता है वैसे तो, इसी मेथड को यूज करते हैं, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ऐड तो इसी रूल से करते हैं, ओके। सो व्हेन यू हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, वी ऑलवेज ऐड दैट नंबर्स। अगर आपके पास एक दो माइनस के साइंस है या फिर दो प्लस है, दो प्लस इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप इसमें हमेशा ऐड करोगे, इधर भी आप हमेशा ऐड करोगे जब आपके पास लाइक साइंस है। पहले समझ लो लाइक साइंस और अनलाइक साइंस क्या होते हैं। लाइक मतलब सेम, ओके। लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब अनसेम, ओके, जो सेम नहीं है। लाइक पे देखो, लाइक साइंस होगा जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, अनलाइक क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके। और जब आपके पास लाइक साइंस होते हैं तब आप हमेशा ऐड करते हो, और जब आपके पास अनलाइक साइंस होते हैं तब आप हमेशा माइनस करते हो, ओके। व्हेन वी हैव टू अनलाइक साइंस इंटीजर्स, वी सब्ट्रैक्ट द साइन ऑफ द सम। अब जब आप कुछ ऐड कर रहे हो तो उसका जो साइन आएगा ना वो हमेशा ग्रेटर नंबर का होगा, इंटीजर्स का नहीं, ग्रेटर नंबर का होगा, ठीक है। आप साइंस को देखते उस टाइम आप उस नंबर को देखो कौन सा बड़ा, उसका साइन लगा देते हैं, ओके। जैसे माइनस टू माइनस वन करना है, तो हम यहाँ पे आपको रूल दे रखा है, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, ये साइन नहीं पता रखा आपको,
क्या साइन लगाना है, इधर बता रखा है कि आपको ऐड करना है माइनस करना है, प्लस मतलब ऐड, तो दो नेगेटिव साइन से माइनस भी है माइनस, तो ऐड करेंगे 2 + 1 क्या होता है 3 होता है। अब साइन किसका लगाएं, ग्रेटर नंबर का लगाएंगे, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, साइन देखना है यहाँ पे। जब आपको यहाँ पे साइन लगाना होता है ना इक्वल्स टू के इस साइड पे आपको साइन लगाना होता है, तब आप सिर्फ इस टाइम सिर्फ नंबर को देखो, नंबर को देखो 2 बड़ा या 1, 2 बड़ा। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि -2 और -1 में से बताना है, मैं बोल कह रही हूँ कि 2 और 1 में से बताना है, तो 2 और 1 से बचा तो 2 बड़ा है, तो साइन 2 का लगेगा, और 2 का क्या साइन है, माइनस साइन है, तो -3 आंसर है। ओके, अब सेम एज अनलाइक साइन में क्या करेंगे, आपके पास +3 और -4 है, क्या करेंगे, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 4 गए 1 बचा। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, इंटीजर का नहीं बड़े नंबर का, 3 बड़ा है यहाँ पे, ओके 3 बड़ा है, सॉरी 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 4 बड़ा है ना, साइन को नहीं देखना 4 बड़ा है, 4 बड़ा या 3, 4 बड़ा है, 4 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस का साइन लगा दो, इसको नंबर लाइन पे करके देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या था मेरे पास, +3 और -4, ओके एक मिनट, 2, 3, -1 -2 -3 -4, इसके लिए हम इवेल्युएट का शब्द यूज करते हैं, जब आप शॉर्ट मेथड में करते हैं तो इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना ही है ऐड, वो हमेशा साइंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इवेल्युएट यानी सॉल्व का यूज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। +3 और माइनस, ओके अब +3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, वेट +3 माइनस, एक सेकेंड, क्या था मेरे पास 1 नहीं था, हाँ 4, मेरे पास 4 था -4, तो हम इस साइड जाएंगे बैकवर्ड, नेगेटिव साइंस क्या था क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, -1 हमें आंसर मिलेगा, तो इधर भी हमें -1 मिल गया, आपको एक और एग्जांपल मिल गया, अब होप कि आपको समझ आ गया हो। ओके अब हम फिर से एक क्वेश्चन टाइम, और ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो ओवर है। ओके इवैल्यूएट 2 + 7, इवैल्यूएट का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, सॉल्व, इवैल्यूएट मीन सॉल्व, सो 2 + -7 इसको सॉल्व कर, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, +-=-, अब आपको हिंट मिल गया है, अब आप पाठों की आप इजीली कर पाओगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, 9, 5, -5 और -9, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड कमेंट ऑल्सो कमेंट कि आपका सही आया या गलत आया, ठीक है। 5 सेकेंड्स है, चलो शुरू करो, जल्दी से सॉल्व कर लो, ये तो माइंड में सॉल्व करने वाली चीज है, ये इंटीजर्स है ना, अगर आपको एक बार आ गया ना ठीक से माइंड में सॉल्व कर सकते हो, इसको कोई नोटबुक की जरूरत नहीं होती इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ माइंड में कर सकते हो आप इसको। ओके आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो सही आंसर, तो अब हम देखते हैं कि किसका सही है और किसका गलत, गलत है कोई बात नहीं, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, ट्राई करो। ओके -5 करेक्ट आंसर है, कैसे तो सॉल्व करते हैं, 2 + -7, मैंने आपको हिंट दिया था -+=-, हमारे पास दो अनलाइक साइंस है प्लस और माइनस, तो क्या होगा, क्या होगा, हम इसको 2 - 7 बना देंगे, क्योंकि +-=-, अब हम माइनस तो करना ही है, पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, +-= सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो चाहे, ठीक है, अगर नॉर्मली करना चाहते हो वैसे कर लो, ये भी सही है, ऐसे करते वैसे तो, ठीक है, 2 - 7 कर दो, +-= -, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कि इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 7 को करना है, 2 में से 7 नहीं हो सकता, 7 में से 2 तो हो सकता है, 7 में से 2 करोगे तो आपको 5 आंसर मिल जाएगा, अब साइन किसका लगाए, या तो आप इसमें आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, तो साइन
ग्रेटर नंबर का आता है। यहाँ पे कौन सा ग्रेटर था, टू ग्रेटर था या सेवन ग्रेटर था? मैं साइन की बात नहीं करती हूँ, मैं नंबर की बात कर रही हूँ। बस यहाँ पे साइन को नहीं देखना है, इधर नंबर को देखना है। जब आपको इक्वल्स टू के इस साइड वाले जगह पे साइन लगाना होता है, तब आप हमेशा नंबर को देखते हो, साइन को नहीं देखना, ठीक है? तो सेवन बड़ा सेवन का माइनस आए तो माइनस फाइव आंसर आ गया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, कमेंट पे जरूर बताना कि सही था या गलत। और शावर ऑफ स्टार्स तो बनता ही है जिन्होंने ट्राई किया और सही किया। ओके, लेट्स रिकैप। अब हम समराइज कर लेते हैं। आई मीन रिकैप, लेट्स रिकैप मतलब हम समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या किया आज के सेशन में, मतलब आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया, क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, adding or subtracting integers on a number line, evaluating in a short way. Short way में हम कैसे करते हैं, ये rules से करते हैं। और sign comes of the greater number, quiz किया हमने, सबसे best part quiz था क्योंकि quiz में मजा आता है। और हमने additive inverse और greater smaller number का भी देखा। ओके, additive inverse और greater smaller का। ओके, तो ये होमवर्क है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इस जीमेल आईडी पे नहीं भेजना है, ये वाली इस जीमेल आईडी पे मत भेजना प्लीज, ये वाली वर्किंग अवेलेबल नहीं है। तो आप स्मार्ट, वेट मैं लिख देती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, लेट मी राइट इन अ टेक्स्ट। ओके, स्मार्ट क्लास 941@gmail.com। ओके, सो ये जीमेल आईडी, इस जीमेल आईडी पर सेंड करना। एंड मैं इस जीमेल आईडी को एक मिनट क्रॉस कर देती हूँ ताकि आप गलत जीमेल आईडी पे एटलीस्ट आंसर ना भेजो। अगर आप भेज सकते हो देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं। और आपको ये भी बताना कि विच इज ग्रेटर। ओके, वेट जस्ट अ मिनट, माइनस माइनस फोर पड़ा है या माइनस एट पड़ा है? और एक और है, विच इज ग्रेटर, जीरो इज ग्रेटर या नाइन इज ग्रेटर? और आपको एक्टिव इन्वर्स करना है। वेट अ मिनट, एडिटिव इन्वर्स करो। एडिटिव इन्वर्स आपको जीरो को करना है और माइनस 12 का करना है। ओके, ये होमवर्क है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, कर लो बिकॉज इट्स फॉर यू ओनली। एक ऐसे एक असाइनमेंट की तरह आप कर सकते हो या होमवर्क की तरह कर सकते हो सके तो इसको प्लीज ईमेल आईडी पे शेयर करना, सो लेट सो डैट आई कैन चेक एंड करेक्टेड व्हाट एवर मिस्टेक हैव यू डन। बस हमें पता भी चलेगा कि हमारी एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट आपको काम आ रही है या नहीं आ रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी के लिए बाय बाय, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो थैंक यू फॉर द सेशन एंड बाय बाय, हम वी विल मीट सून। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट सो दैट एवरीवन कैन टेक द करेक्ट बेनिफिट ऑफ इट, सारे अच्छे से नॉलेज का बेनिफिट लें, क्योंकि नॉलेज तो स्प्रेड करने के लिए होती है ना। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूर। ओके, और होमवर्क भी करना। बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।